ये आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, एक्सरसाइज 9.3 एनसीईआरटी। टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि इफ दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी और एन की वैल्यू निकालना है। ऐसा ही हमने क्वेश्चन 9.3 एक्सरसाइज है, इसमें 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया हुआ जिसमें अरिथमेटिक मीन था, तो इसको अब ज्योमेट्रिक मीन से इक्वेट करना पड़ेगा। तो a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, ये ज्योमेट्रिक मीन है दो नंबर्स का। तो वो दो नंबर्स हमने मान लिए, मानना क्या दिए हुए हैं अपने को नंबर्स a और b, और उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी। ये यू विल हैव टू कीप इन माइंड, दिस इज व्हाट, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन जी एम बिटवीन ए एंड बी। ये आपको याद ही है, ये याद होना चाहिए कि दिस इज व्हाट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। फिर इसके बाद इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फिर इसके बाद का काम तो बेहद आसान है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और एन का वैल्यू निकालना है। तो देखें हम इसको क्या लिख सकते हैं। तो मुझे तो क्योंकि ट्रिक मालूम है कि किस तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन हम बिगिनर के जैसा काम करते हैं। स्क्वायरिंग से बचिए, स्क्वायरिंग करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, अदरवाइज तो भी आंसर आएगा। ए टू द पावर एन प्लस 1 को आप लिख सकते हो ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर 1, पावर ऐड हो जाती जब बेसिस सेम हो, तो फिर इस तरीके से इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। बी टू द पावर एन प्लस 1 को भी आप सही सोच रहे हो ऐसा लिखेंगे, बिल्कुल लिख दें, बी टू द पावर 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लिखना हो तो लिख दें। रूट ए रूट बी और डिनोमिनेटर को वहाँ भेज दिया, ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन। अब आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख दें आप ए इंटू ए टू द पावर एन बी इंटू बी टू द पावर एन, आगे पीछे किया, ए पहले ए टू द पावर एन बाद में। इसको ओपन कर लें, रूट ए रूट बी ए टू द पावर एन प्लस रूट ए रूट बी बी टू द पावर एन। अब ध्यान से देखें आप, ए टू द पावर एन वाली टर्म एक तरफ और बी टू द पावर एन वाली टर्म एक तरफ, ए टू द पावर एन एक तरफ, तो ए टू द पावर एन सिंगल लाइन एक तरफ, डबल लाइन एक तरफ। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा। और थोड़ा ट्रिक भी लगा सकते हैं, ए को लिख दें आप रूट ए स्क्वायर, तो आपको कॉमन लेने में सहूलियत होगी क्योंकि यहाँ पे रूट लिखा है दोनों में, माइनस इंटू ए टू द पावर एन माइनस रूट ए रूट बी ए टू द पावर एन इज इक्वल टू, राइट साइड देखिए, राइट साइड में है आपके पास रूट ए रूट बी बी टू द पावर एन माइनस बी इंटू बी टू द पावर एन, इधर ट्रांसफ़र कर दिया और b को लिख दिया रूट बी स्क्वायर बी टू द पावर n। क्या कॉमन निकल रहा है, कॉमन देखें, इसमें से कॉमन आ रहा है रूट ए ए टू द पावर n, तो ब्रैकेट में बचेगा रूट ए माइनस रूट बी। राइट साइड देखिए, राइट साइड में कॉमन आ रहा है रूट बी बी टू द पावर n, ब्रैकेट में क्या बचेगा रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी कैंसिल। ये दिया हुआ होना चाहिए क्वेश्चन में कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, नहीं दिया तो भी आप अपना लॉजिक लगा के अपना आईक्यू लगा के ऐसा कर दें। अब ध्यान दें, ए टू द पावर एन के अपॉन में आ गया बी टू द पावर एन, और रूट बी अपॉन क्या हो जाएगा, रूट बी अपॉन में आ जाएगा रूट ए, रूट बी अपॉन रूट ए को क्या, इसको लिख सकेंगे आप ए बाय बी होल टू द पावर एन, इसको लिख सकेंगे आप बी बाय ए होल टू द पावर वन बाय टू। अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हो जाएगा ए बाय बी होल टू द पावर माइनस वन बाय टू, इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो आपको वो ये वाली प्रॉपर्टी याद होगी, ये वाली प्रॉपर्टी। एक्स टू द पावर एम को आप ऐसा लिख सकते हो वन अपॉन एक्स टू द पावर माइनस एम,
या आप डायरेक्ट लिखते होगे वन अपॉन एक्स टू द पावर माइनस एम। तो ये अब ध्यान से देखें, यहाँ ए बाय बी टू द पावर क्या है, एन है, और यहाँ ए बी बाय बी टू द पावर माइनस वन बाय टू है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है फिर भी आप समझ जाएंगे, ए बाय बी टू द पावर एन, ए बाय बी टू द पावर माइनस वन बाय टू। दिस इम्प्लाइज एन इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू। तो इसका आंसर है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है एन इज इक्वल टू व्हाट, एन इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27 सीक्वेंस सीरीज का, एक्सरसाइज 9.3 का, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को वो घुमा के ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको सेल्फ ट्राई करना, तो सेल्फ ट्राई करना और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, अनडाउटेडली यू विल फील हैप्पी जब आप इसको कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही रखा हमने, नीचे चेंज कर दिया, ए टू द पावर एन माइनस वन, बी टू द पावर एन माइनस वन। अब आप इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, सेल्फ ट्राई करना आप। सेल्फ कैसे, कि इसमें भी सेम क्वेश्चन है, इस ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ये ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी के बीच में, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको दोस्तों वैल्यू निकालनी है एन की वैल्यू निकालना है, और इस केस में आपका आंसर एन इज इक्वल टू वन बाय टू आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सेल्फ ट्राई करना, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। कभी आपके क्वेश्चन घुमा करके दे दिया तो आपका लॉजिक काम करेगा। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऑल द बेस्ट।